अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और रेसिपी लेके। आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, वो भी मेहमान स्टाइल में। कॉमनली ये डिश तो सबके यहाँ बनाई जाती है, लेकिन सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने अंदाज होते हैं पकाने के, कोई किस तरीके से बनाता है। मैं आपको अपना स्टाइल शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ बैंगन का भरता। बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आती है मेरी रेसिपी तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 किलो बैंगन है मेरे पास, जो मैंने तेल लगा के इसमें ग्रेस कर लिए और उसको सेकने के लिए रख दिए। बाकी के चूल्हे पे सेक रहे हैं, ये देखें बाकी के बैंगन मैंने सेकने। सही से इसको चारों तरफ से सेकेंगे हम लोग। ये सेक रहे हैं, जब तक मैं आपको इंग्रीडियंट्स बता दूँ सामान के, इसमें क्या क्या डलेगा। इसमें डलेगा 1/2 किलो जितना दही है मेरे पास, 1/2 किलो से थोड़ा कम होगा, तकरीबन 1/2 किलो ही है दही है मेरे पास। साथ में 1 पाव प्याज है मेरे पास, हरी प्याज है ये मेरे पास 1 पाव। इसमें से हमने 1 पाव हरी प्याज लिए, इसे बारीक बारीक काट लिए। साथ में ही हमारे पास 6 से 7 हरी मिर्ची थी, जिसे इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया हमने। साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं काली मिर्ची 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर है मेरे पास 1 चाय का चम्मच, नमक है हसबे जायका, और साथ ही में मैंने 2 से 3 जवे लहसुन के चॉप कर लिए। अब इसमें डालूंगी ये लहसुन ज़ीरे का, हम डालेंगे वगार अपने भरते में। आए चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही में मैंने ले लिया ही कोयला, एंड में इसमें धुआं देंगे हम बैंगन के भरते में। यकीन माने बहुत ही मज़े की डिश बनती है ये, और आपको इसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं बनती पड़ती, बस इसको सेकना है बैंगन का। मेन चीज़ जो है ना, बैंगन को सेकना है। आपने बैंगन को अच्छा सेका होगा ना, तो ये बहुत मज़े का बैंगन का भरता बनता है, और ये यूँ ही रेडी हो जाता है फ़ौरन झटपट। सिर्फ बैंगन को सेकने में टाइम लगता है। सबसे पहले बैंगन को सेकेंगे सही से, चारों तरफ से इसे घुमाते जाएँ, सेकते जाएँ, चारों तरफ से इसे सेकेंगे हम। जब तक बैंगन सेक रहे हैं, इसमें मैं मसाला ऐड करूंगी दही के अंदर। ये जाएगा इसमें गरम मसाला, जीरा पाउडर, काली मिर्च, नमक हसबे जायका, सो करेंगे सही से मिक्स, इसे करेंगे मिक्स। झटपट तैयार हो जाती है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये सारा दही फेटा हुआ मैं किसमें ऐड कर दूंगी, ये जो हरी प्याज और मिर्ची काटी हुई थी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे हम सारा दही को। हरी प्याज और मिर्चों में से मिक्स कर दिया दही को, इसको करेंगे सही से मिक्स। फॉर्क ले लिए मैंने अब सही से मिक्स करने के लिए इसमें। साथ ही जो बैंगन मेरे सेकते जाएंगे उसे मैं साफ करके इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। देखिए कुछ बैंगन सेक के मैंने निकाल लिया, कुछ आपके सामने सेक के निकाल लूँगी। ये देखें सेकने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं, इसकी जो ऊपर की खाल होगी पूरी राख हो जाएगी, जल जाएगी, रोस्ट हो जाएगी। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखा दूँगी कैसे निकलेगा। इसको पहले ऊपर से छीलेंगे हम। ये देखें, आप चाहे छुरी की मदद से या फॉक की मदद से, किसी की मदद से आप जो आपको आसान लगता है आप उससे निकाल लें। ठंडे होने पे निकालिएगा, क्योंकि मुझे आदत है मैं गर्म गर्म ही निकालती हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ करके। ये देखें, देखने कितनी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हमारे बैंगन। अब अंदर से जितना भी इसका भरता है सब निकाल लेंगे हम। पूरा सही से साफ कर लेंगे, जो अंदर गिर जाए उसको हटा दें। इस तरह दूसरा भी करके दिखाती हूँ आपको।
ये पूरा नरम हो चुका है भरता, बैगन हमारे अंदर से गल चुके हैं, सबको अंदर डालेंगे। बाकी के बैगन भी मैं इसी तरह से साफ कर लूँगी, भरता निकाल लूँगी अंदर से। देखिए सारा भरता मैंने निकाल लिया, 1 किलो बैगन का भरता है, इसे मैं पूरा निकाल के इसे मैश कर लूँगी सही से, जहाँ थोड़े थोड़े हों वो हटाते जाएँ। ये देखें सही से मैश कर लिया मैंने, अब इसको ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर जो दही है और हरी प्याज का मिक्सर बनाया था मैंने। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने डिश में बनाया, असल में तो मैं ये चीज़ें ना तसले में तैयार करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी मैं तसले में ही तैयार करके दिखाऊँ। जिस तरह तसला बोल लें, थाल बोल लें, जो आप लोग बोलते हैं, असल में तो मैं इसको हम लोग इसे तसले में तैयार करके खाते हैं। देखिए दही को पकाना नहीं है हमें, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक सिंपल बॉल में ले लेंगे, क्योंकि दही को हम पकाएंगे तो दही अपना पानी छोड़ देगा, हमें इसमें मिक्स कर लेना है सब। सही से मिक्स कर लूँगी। ये मेमन स्टाइल से भरता तैयार हो रहा है, आप लोग ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा इसे मेरे स्टाइल से, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। ये देखें कि मैंने तसला ले लिया, हम इसमें ही तैयार करते हैं, वो दिखाने के लिए करना पड़ता है ये सब, लेकिन इसमें ही तैयार करूँगी मैं तसले में ही, क्योंकि मेहमान स्टाइल है तो मेहमान तरीके से ही दिखाऊँगी मैं आपको सब चीज़ें। देखें सारा भरता मैं इसमें डाल दूँगी इस तरीके से। ये देखिए मैं थाल में तसले में निकाल लिया इसे, अब इसमें डालेंगे हम बघार, और बघार कैसे डलेगा मैं बताऊँ। ये देखें तेल गरम करने रख दिया मैंने इसमें, ये देखें एक सालन पकाने वाला चम्मच जो होता है बड़ा, यानी कि आधी प्याली तेल डाल दिया मैंने इसमें। डाल दूँगी मैं लहसुन, इसे करेंगे थोड़ा फ्राई। जैसे ही फ्राई होता है इसमें मैं ऐड कर दूँगी ज़ीरा। देखिए लहसुन ब्राउन हो चुका है, इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, इसे करेंगे फ्राई। ये देखिए बघार इसके अंदर डाल देंगे हम। लीजिए तैयार है मेरे स्टाइल से बैगन का भरता, बघार हमने इसके ऊपर डाल दिया है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरी रेसिपी, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें, इससे मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। मुझे तैयार है मेहमान इस टाइम बैगन का भरता। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।